आज की हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग में, और वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग में आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल कंडीशंस के बारे में, मतलब कि इफ कंडीशंस में हम मल्टीपल कंडीशन लगाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले जिसने हमने इफ पढ़ा था, हमने नॉर्मल इफ एल्स इफ के बारे में जाना था, इफ एल्स के बारे में, और साथ में हमने इफ के अंदर एंड और लगाना सीखा था, राइट सर। अब हम बात कर रहे हैं कि जब हमारे पास कई सारे मल्टीपल कंडीशन हो तब क्या करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक सेल्स है और मुझे सेल्स में मान लीजिए सेल्स को बाद में लेते हैं, पहले मान लीजिए कि मेरे पास कुछ नेम है और सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे चार सब्जेक्ट है और यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ, हाँ, और मुझे इसमें रिजल्ट शो करना है, सारों रिजल्ट शो करना है। तो रिजल्ट में कंडीशन ये है कि इसमें रिजल्ट में पास और फेल देना है। तो इसमें अगर मान लीजिए कि मुझे ये करना है, एक मिनट, गलत हो गया, तो इसमें मान लीजिए मुझे यहाँ पे पास और फेल देना है यहाँ पे, कि अगर इसमें से ग्रेटर देन 40 हुआ तो सारे सारे सब्जेक्ट में ग्रेटर देन 40 हुआ तो पास और फेल होना चाहिए, अदरवाइज फेल होना चाहिए। तो इसके लिए चलिए हम यहाँ पे हम माइक्रो बना विजुअलाइज़ेशन पे जाते हैं और हम इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल, सब्जेक्ट देते हैं, सब्जेक्ट हाँ यहाँ पे। अब मान लीजिए कि मुझे जस्ट पास और फेल देना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे कंडीशन देंगे कि यहाँ पे कि यहाँ पे इफ रेंज रेंज में है बी सी डी ई, हाँ, बी टू डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 और एंड रेंज C2 dot value is greater than equal to 40 and range D2 dot value is greater than equal to 40 or last maybe and range two dot value is greater than equal to 40 than f range f2 dot value equal to pass or else fail, समझ गए, और यहां पे एंड करते हैं। अगर हम इसको रन करते हैं, एंड इफ करना है यहां पे, हाँ एंड इफ, तो यहां पे रिजल्ट फेल आ गया, लेकिन मुझे पूरे में चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लूप का इस्तेमाल करेंगे कि फोर I इक्वल टू चले 2 कहां तक चले, तो आपका 8 तक, या फिर इसको आप डायनेमिक कर सकते हैं और नेक्स्ट I, और यहां पे जहां पे आपने B2 का रखा है वहां पे हम इसको n परसेंट के साथ I दे देते हैं, अगेन n परसेंट के साथ I देते हैं, और यहां भी इसके साथ हम I देते हैं, और यहां भी हम इसके साथ आई देते हैं। ठीक है, अब मैं इसको प्ले करूंगा तो पूरा में आएगा,
है, तो इसमें इसको एक बार प्ले कीजिएगा। अच्छा हाँ, यहाँ भी तो करना पड़ेगा एफ के जगह पे। F2 में भी इसको करना पड़ेगा हमें। अब पूरा में आएगा आपका, पूरा में कर दिया पास फेल। लेकिन इसमें देखना है कि फेल हुआ तो किस सब्जेक्ट में फेल हुआ, ये भी मुझे चाहिए। तो उस केस में हमें यहां एंड नहीं लगा सकते। तो उस केस में क्या करेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं कि सब RR इसमें इफ वन यहां पे रहता हूँ, यहां पे हमारा होगा। पहले तो लूप लगा देते हैं कि 4i = चले 228, नेक्स्ट आई। उसके बाद यहां इफ कंडीशन लगाते हैं कि इफ रेंज बी के साथ आई हुआ डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 देन। अब इस इफ के अंदर एक और इफ हमारा चलेगा और इसमें बी के जगह पे हमारा सी होगा, और फिर इसके अंदर में इस इफ के अंदर में एक और इफ चलेगा और सी के जगह पे होगा हमारा डी, और इसके अंदर एक और लूप चलेगा और इसके अंदर होगा आपका ई। मतलब कि अगर पहली कंडीशन पास हुई तो दूसरी कंडीशन में जाएगा, दूसरी कंडीशन पास हुई तो तीसरी में जाएगा, अगर तीसरी पास हुई तो चौथी में जाएगा, और चौथी पास हुआ तो यहां पे वो रिजल्ट देगा आपका पास। और यहां पे एल्स अगर नहीं हुआ तो इसमें आ जाएगा आपका पास के जगह पे कि सब्जेक्ट 4 फेल। ठीक है, एंड इफ। अब ये जो एंड इफ हुआ है, ये एंड इफ हुआ है किसका, ये चौथे वाले इफ का। अब तीसरे वाले इफ का मुझे एंड इफ करना पड़ेगा, और यहां पे हो जाएगा सब्जेक्ट 3 फेल। उसके बाद फिर इसमें हम दूसरे वाले इफ का यहां पे करेंगे, दूसरे वाले इफ का करेंगे। तो जितना इफ लगेगा उतना हमारा एंड इफ लगेगा। तो यहां पर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट 2 फेल और ये आपका लास्ट में सब्जेक्ट 1 फेल। तो इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ, मतलब एक इफ के अंदर दूसरा इफ, दूसरे इफ के अंदर तीसरा इफ, तीसरे इफ के अंदर चौथा इफ। तो यहां क्या हुआ कि देखिए कैसे चलेगा बताता हूं। यहां पे सब्जेक्ट 1 फेल कर देता हूं। हाँ, अब यहां पे देखिए ये चेक करेगा कि इफ कि अगर एक कंडीशन फुलफिल हुआ, मतलब कि बी बी टू की वैल्यू या बी थ्री की वैल्यू जो भी है अगर वो ग्रेटर देन 40 हुआ तो सी को रेफर करेगा, इसको सेकेंड इफ को। अगर नहीं हुआ तो सीधे एल्स के आएगा और यहां पे रिजल्ट दे देगा और इफ को खत्म कर देगा, इससे आगे नहीं ले जाएगा। फिर सेकेंड इफ जब चलेगा, अगर मान लीजिए फर्स्ट इफ ग्रेटर देन 40 हुआ तो सेकेंड इफ चलेगा, अगर सेकेंड इफ को ग्रेटर देन 40 हुआ तो थर्ड इफ को फॉरवर्ड करेगा, अदरवाइज यहाँ एल्स में जाएगा और रिजल्ट देगा और इफ को खत्म कर देगा। ऐसे ही थर्ड इफ चेक करेगा तो फोर्थ को देगा, अगर नहीं है तो रिजल्ट देगा और इसको खत्म कर देगा। ऐसे फोर्थ इफ चेक करेगा अगर है तो, मतलब चौथे इफ तक पहुंच गया, इसका मतलब है कि चारों सब्जेक्ट में ग्रेटर देन 40 है तो यहाँ पे हम पास देंगे, अगर नहीं है तो चौथे सब्जेक्ट में हमारा ग्रेटर देन 40 नहीं है तो वहां पे वो फेल दे देगा। समझ गया सर, आया समझ में आप लोगों को, किसी को डाउट? अब मैं इसको रन करता हूं तो आप यहां देखेंगे कि रिजल्ट आ गया। तो ये हमारा नेस्टेड इफ था। अब बात करते हैं एल्स इफ की, मतलब कि मेरे पास स्लैब इंसेंटिव है कि 0 to 40 हुआ। यहां देखिए 0 to 40 हुआ तो मुझे यहां पे 500 का इंसेंटिव देना है, और यहां पे 41 to अगर मान लीजिए 60 हुआ तो मुझे 1000 का देना है,
और 61 to अगर 80 हुआ तो 1500 का, 81 टू 100 हुआ तो 2000 का, और ग्रेटर देन 100 हुआ तो मुझे 5000 का इंसेंटिव यहां पे देना है। तो चलिए इसके लिए हम VVA के जरिए कोड तैयार करते हैं। तो लूप देंगे 24 तक, 2 से 24 बना, आप ऑटोमेट भी कर सकते हैं आप इसको। अब यहां पे देते हैं फॉर्मूला कि इफ यहां पे सब्जेक्ट इफ अंडरस्कोर 2 ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और देते हैं यहां पे कि इफ नहीं यहां 4 लगाएंगे पहले हम कि 4 i इक्वल टू चले 2 टू 24 और नेक्स्ट आई करते हैं। अब यहां पे इफ का फॉर्मूला होगा कि इफ रेंज, अब यहां पे हम ये दे सकते हैं वेरिएबल्स दे सकते हैं यहां पे ताकि बार बार रेंज आई ना लिखना पड़े। मैं करता हूं डिम सेल्स यानी एस एज ए लॉन्ग, एस एज हाँ लॉन्ग कर देता हूं लॉन्ग, एंड इसमें दो वेरिएबल एक साथ डिफाइन कर सकते हैं कि एस कॉमा आर, एस सेल्स के लिए आर हमारा रिजल्ट के लिए, और यहां पे लिखते हैं एस इक्वल टू रेंज ए के साथ कंबाइन है हमारा आई डॉट वैल्यू। और ये डिम वाला दोबारा से बताना रिपीट, डिम डायमेंशन का होता है जैसे कि आप लोग मैथमेटिक्स में एक्स वाई जेड लेते हैं ना आप, तो मान लिया आपने सपोज एक्स इक्वल एक्स एक्स मान लिया और एक्स इक्वल टू 100 कर दिया, और जहां जहां एक्स की जरूरत 100 की जरूरत है वहां वहां एक्स आप लेते, सेम ऐसे ही हम यहाँ पे हम एक ले लेते कि मुझे इतना लंबा नहीं लिखना है, तो हमने यहाँ पे एस और आर दो वेरिएबल ले लिए जिसका लॉन्ग डेटा मतलब लॉन्ग नंबर में बड़ा नंबर स्टोर करेगा, तो हमने डिफाइन कर लिया। अब मैंने इसको एस के ऊपर इस रेंज की वैल्यू को स्टोर कर दिया, अब मुझे इस हर जगह पे ए लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि आपने ऊपर देखा था ना हर बार मुझे रेंज लिखना पड़ रहा था, अब मुझे हर बार रेंज लिखना नहीं पड़ेगा, हम एस लिखेंगे सिर्फ। जैसे यहाँ पे देखिए कि इफ एस इज लेस देन इक्वल टू 40 देन आर इक्वल टू 500, समझ गए? ओके सर। फिर यहाँ पे देंगे हम एल्स इफ s is less than equal to 60 then r equal to 1000, और इसी प्रोसीजर को हम आगे फॉलो करते जाएंगे कि 60 के जगह पे 80, 80 के जगह पे 100 और लास्ट में हम देंगे else और r equal to 5000 और यहां पे हो जाएगा एंड इफ। मतलब ये क्या हुआ, यहाँ पे देख लीजिए कि चेक करेगा कि अगर एस जो है लेस देन 40 है तो आर पे 500 देके इफ को खत्म कर देगा, सॉरी नहीं हुआ तो देन चेक करेगा क्या लेस देन 60 है, 60 है तो 1000 देके खत्म कर देगा। ऐसे वो एक एक चेक करते जाएगा, जैसे उसको रिजल्ट ट्रू मिलेगा वैसे ही इफ को यहाँ पर यहाँ प्रोसीजर को खत्म कर देगा। मतलब कि ऊपर आपने देखा था कि जैसे इफ को कंडीशन मिलता था तो अगले कंडीशन को फॉरवर्ड करता था, लेकिन यहां पे हमने इसका ऑपोजिट किया हुआ है कि जैसे इफ को कंडीशन मिलता है तो इफ को इसको मतलब कि इफ को फिनिश कर देता है रिजल्ट शो करके, अगर इफ को कंडीशन नहीं मिलता है देन वो आगे फॉरवर्ड होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट इफ के लिए, क्योंकि हर इफ दूसरा इफ पहले इफ के फॉल्स पार्ट में है। तो आपको एल्स इफ समझ में आ गया सर? यस सर। बी के साथ हमने आई को किया और डॉट वैल्यू इक्वल टू आर, अब मैं इसको रन करूंगा तो हमारा रिजल्ट पूरा आ जाएगा, आ गया पूरा रिजल्ट। लेकिन इस जब इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड आपके कंडीशन हो तो हम इस इफ एल्स से भी एक बहुत सुविधाजनक है केस सिलेक्ट केस इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे ये बताता हूं आपको, यहाँ पे देते हैं सब्जेक्ट इस अंडरस्कोर 3 4 ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड हम 4 आई इक्वल टू करते हैं 1 to 24 है, माफ कीजिएगा 2 to 24
नेक्स्ट आई, और ऐसे यहाँ पे हम देते हैं डिम आर एज ए लॉन्ग, इसमें एस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ पे एक ही बार लिखना है। यहां लिखते हैं सिलेक्ट केस, और कौन सा केस, तो रेंज हमने दे दिया यहाँ पे बी के ए के साथ आई को कंबाइन कर दिया डॉट वैल्यू, और यहाँ पे केस क्या है, तो हम लिखेंगे केस लेस देन इक्वल टू, या फिर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 0 to 40, देन आर इक्वल टू 500, केस 41 to 60, क्या हो क्या रहा कीबोर्ड में, कीबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है लग रहा है सर, आर इक्वल टू 1000, केस 61 to 80, आर इक्वल टू 1500, एंड केस 81 to 100, आर इक्वल टू 2000, और केस यहां पे डायरेक्ट ऐसे भी दे सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 100, इस तरह से भी लिख सकते हैं आर इक्वल टू 5000। तो ये आपको इफ से ज्यादा सहूलियत होगा, एंड सिलेक्ट लास्ट में, और फिर आप यहां पे रेंज, तो सिलेक्ट का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं सर। समझ आ गया, इक्वल टू आर, तो ये आपका तरीका है। अब इस कोड को मैं आप लोगों को मेल कर देता हूं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, तो हम आगे की क्लास में हम बात करेंगे फॉर ईच लूप का। हमने लूप और इफ को एक साथ पढ़ लिया, अब इफ से हम आगे बढ़ते हैं लूपिंग की तरफ। लूपिंग में हम फॉर लूप को पढ़ चुके हैं, अब बात करेंगे हम फॉर ईच लूप को, ठीक है सर। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, डाउट है आप लोगों को। हेलो हेलो सर, सर मैं ये कह रहा था कि ये कोडिंग वगैरह जो होती है बेसिक से अगर सीखना हो इनका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है। मैं आपको फोन पे इसी बात डिस्कस करूंगा, मैं इसके बाद फोन करता हूँ आपको। ओके ओके, और किसी का कुछ सवाल है? मेरा ये टॉपिक से दूसरा टॉपिक से रिलेटेड है। मेरे को सपोज मेरे पास 10 फाइल है, हेलो हां, मेरे पास 10 एक्सेल की फाइल है, उसको सुन रहा हूं बताइए, तो उसके उसको मैं कैसे करूं एक ही बार में कोड बना के, डायरेक्ट एक फाइल में मेरा कंसोलिडेट पूरा पेस्ट हो जाए एक के नीचे एक। मैंने सीट वाइज किया है बट फाइल वाइज नहीं। बताऊंगा जब हम डू लूप पढ़ेंगे तो बताऊंगा, मतलब कि दो क्लास बाद बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? या मेरे को उसका ये मिल जाता है ना तो अच्छा था, क्योंकि मेरे को कल रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, मैं ढूंढ के भेज दूंगा आपको। हाँ वो अच्छा रहेगा, तो मेरे को आज मिल जाएगा क्या? ढूंढना पड़ेगा, मेरे पास 2000 रिकॉर्डिंग्स में से ढूंढना पड़ेगा, तो मुझे टाइम तो देना पड़ेगा ना सर। हाँ वो तो है, लेकिन मेरे को वही कल यूज करना था। आप भी ढूंढ सकते हैं, आप हो सकता है तो मिल जाएगा आपको भी, लेकिन मैं ऐसे देख लेता हूँ, मैं भेज दूंगा, ठीक है? हाँ क्योंकि मेरे को मैन्युअली करना पड़ता है कि एक ओपन करके फिर पेस्ट पूरा सिलेक्ट करके पेस्ट, सब कुछ सेम रहता है उसमें, एक DIR फंक्शन एंड डू व्हाइल लूप का यूज होता है, तो मैं आपको बता दूंगा क्योंकि आपकी फोर इज के बाद डू व्हाइल ही का लूप का ही टॉपिक है, तो उसके बाद आप पढ़ लीजिए उसके अंदर कैसा अलग अलग मतलब।